सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूँ इफ्रा सलीम। सीमांत धार्मिक और सैन्य क्षेत्र जोशीमठ दरक रहा है। सरकार और समाज में हलचल है। जोशीमठ में मौजूद मकानों की दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। 107 परिवार शिफ्ट कर दिए गए हैं। जनता के आंदोलन के बाद जोशीमठ में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। आखिर क्या है मामला, देखिए। धार्मिक, सामरिक, पर्यटन और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत चीन सीमा पर बसे जोशीमठ का अस्तित्व गंभीर खतरे में है। अलकनंदा नदी की ओर से खिसक रहे इस ऐतिहासिक और पौराणिक नगर की जमीन धसने के कारण सैकड़ों मकानों पर दरारें आ गई हैं। नगर के किराएदार मकान छोड़ रहे हैं और मूल निवासी ढहने की कगार पर बैठे अपने जर्जर मकानों की रखवाली को मजबूर हैं। इस संकट की जद में सेना की ब्रिगेड, गढ़वाल स्काउट्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बटालियन भी है। अपनी ही इमारतों के बोझ तले दबा ये शहर अपने ही घरों से निकलने वाले पानी के दलदल में धंस रहा है। समुद्र तल से 1875 मीटर की ऊंचाई पर बसे भारत के इस पहले शहर जोशीमठ की आबादी लगभग 35,000 है। ITBP का मुख्यालय यहीं पर है। सैन्य व इकोलॉजिकल दृष्टि से भी जोशीमठ बेहद संवेदनशील है। सबसे बड़ी बात, शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा भी जोशीमठ में होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सीमांत गांव माणा को देश का पहला गांव घोषित किया है। उस लिहाज से जोशीमठ देश का पहला शहर हुआ। यह कोई साधारण बसावट नहीं है। यह आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के चार कोनों में धर्म ध्वजावाहक चार सर्वोच्च धार्मिक पीठों में से एक ज्योतिर्पीठ है। माना जाता है कि ये उत्तराखंड की प्राचीन राजधानी है, जहां से कत्यूरी वंश ने शुरू में अपनी सत्ता चलाई थी। यहीं से सर्वोच्च तीर्थ बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा की औपचारिकताएं पूरी होती हैं, क्योंकि शंकराचार्य की गद्दी यहीं विराजमान रहती है। फूलों की घाटी और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का बेस भी यही नगर है। हिमकुंड यात्रा भी यहीं से निरंतित होती है। नीति माणा दर्रों और बाड़ा होती पठार पर चीनी हरकतों पर इसी नगर से नजर रखी जाती है। चीनी सेना बार बार बाड़ा होती की ओर से घुसपैठ करने का प्रयास करती रहती है। उन पर नजर रखने के लिए भारत तिब्बत पुलिस की बटालियन और उसका माउंटेन ट्रेनिंग सेंटर यही मौजूद है। जोशीमठ का पूरा मास्टर प्लान ना होने के कारण उसकी ढलानों पर बड़ी इमारतों का जंगल बेरोकटोक उगता जा रहा है। हजारों की तादाद में बनी इमारतों के भारी बोझ के अलावा करीब 25,000 शहरियों के घरों में इस्तेमाल किया गया पानी खुद एक बड़े नाले के बराबर होता जा रहा है, जो कि जोशीमठ की जमीन के नीचे दलदल पैदा कर रहा है। SDC फाउंडेशन ने उत्तराखंड में आने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं पर अपनी तीसरी रिपोर्ट जारी की है। उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट सिनोप्सिस की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में 500 से ज्यादा घर रहने के लायक नहीं हैं। रिपोर्ट में जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धसाव को लेकर चिंता जताई गई है। भू वैज्ञानिकों के अनुसार जोशीमठ शहर मुख्यतः पुराने भूस्खलन क्षेत्र के ऊपर बसा है और इस प्रकार के क्षेत्रों में जल निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने की स्थिति में जमीन में अंदर जाने वाले पानी के साथ मिट्टी बह जाने के कारण भूधसाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जोशीमठ भूधसाव के हालातों पर PM मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। CM पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी लगातार मामले में अपडेट लिया जा रहा है। CM धामी ने भूधसाव को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक भी की है। जोशीमठ भूदशाओं पर PM मोदी भी नजरें रखे हुए हैं। PMO की ओर से लगातार मामले में अपडेट लिया जा रहा है। लोगों को यहां किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। राज्य सरकार पूरे मामले पर नजरें बनाए हुई है। CM पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन के अधिशासी अधिकारी, भूस्खलन न्यूनीकरण केंद्र के वैज्ञानिक सहित तकनीकी विशेषज्ञों की पूरी टीम जोशीमठ पहुंच गई है।
विशेषज्ञों की टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। जोशीमठ में भूदसाव की समस्या के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने बीआरओ के अंतर्गत निर्मित हैलांग बाईपास निर्माण कार्य, एनटीपीसी तपोवन विष्णुगार्ड जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य एवं नगरपालिका के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर आने वाले अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी आने वाले अगले आदेशों तक रोका गया है। जोशीमठ से 107 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए जिला प्रशासन ने एनटीपीसी और एचसीसी कंपनियों को एहतियातन अग्रिम रूप से 2000 प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार करने का भी आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के भूधसाव को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक भी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हालात पर वो नजरें बनाए हुए हैं, आपदा प्रबंधन अधिकारी वहां कैंप कर रहे हैं। इसके साथ ही जो भी पुरानी रिपोर्ट है उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ को बचाने के लिए सभी कार्य और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जोशीमठ शहर का अस्तित्व खतरे में है। जोशीमठ के बचाव के बारे में अब सोचा जा रहा है। सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों पर दरारों के कारण का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई है। यह टीम मौके पर जाकर कारणों की जांच कर रही है। सभी की नजर अब इस पर टिकी है कि जोशीमठ शहर पर आई इस मुसीबत का आखिर क्या हल निकलता है। सत्य के साथ।